इन्वेस्टिंग की दुनिया में किंग माने जाने वाले वॉरेन बफेट उनको मिलने वाली 100 अपॉर्चुनिटीज में से 99 अपॉर्चुनिटीज को इग्नोर करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि सक्सेसफुल और नॉर्मल लोगों में यही एक डिफरेंस होता है कि नॉर्मल लोग सभी चीजों को हाँ बोलते हैं, जबकि सक्सेसफुल लोग ऑलमोस्ट सभी चीजों को इग्नोर करते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके काम को पूरा करने के लिए आपको बहुत ही कम टाइम मिलता है, जिससे आप कंफ्यूज हो जाते हो और ज्यादा कुछ अचीव नहीं कर पाते, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं एप्पल, फेसबुक, गूगल, ट्विटर और एडोबी जैसे ग्रेट कंपनीज को कंसल्ट करने वाले ऑथर ग्रेग मैक्योन की बुक एसेंशियलिज्म में से कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ, जिसे भी दुनिया के कई गेम चेंजर लोग अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं और इस टेक्निक से कम काम करके ज्यादा से ज्यादा आउटपुट पाते हैं। ग्रेग मैक्योन की बुक एसेंशियलिज्म में से सबसे पहली बात जो मैंने सीखी वो है बिकम एन एडिटर ऑफ योर ओन लाइफ। ब्लॉकबस्टर मूवीज जो ऑस्कर विनर बनती है वो रिलीज होने से पहले रूथलेसली एडिट की गई होती है, क्योंकि स्टोरी को ऑडियंस अच्छी तरह से समझ सके इसलिए वो एडिटर उन सभी अननेसेसरी सीन को हटा देते हैं जो उतने इम्पोर्टेंट ना हो। आज के टाइम में बिजी लाइफस्टाइल लोगों के लिए एक स्टेटस सिंबल बन गया है, क्योंकि उन्होंने कहीं से सुना होता है कि लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए हार्डवर्क जरूरी है, जिससे वो लोग बिजीनेस को हार्डवर्क मानने लगते हैं और उनको मिलने वाले सभी ऑफर्स, प्रोजेक्ट्स और अपॉर्चुनिटीज को अपने पहले से ही ओवरफ्लोइंग टू डू लिस्ट में डाल जाते हैं। मुझे गलत मत समझना, हार्डवर्क इम्पोर्टेंट है, पर गलत डायरेक्शन में हार्डवर्क करना वेस्ट ऑफ एनर्जी एंड वेस्ट ऑफ टाइम होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन कोई एक पॉइंट से सभी डायरेक्शन में 1 किलोमीटर दौड़ता है, यानी कि वो दौड़ा 4 किलोमीटर, लेकिन फिर भी वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से किसी एक डायरेक्शन में सिर्फ 1 ही किलोमीटर दूर गया होगा। जबकि कोई दूसरा पर्सन कोई एक पॉइंट से सिर्फ एक डायरेक्शन में 4 किलोमीटर दौड़े, तो वो पर्सन अपने स्टार्टिंग पॉइंट से उस डायरेक्शन में 4 किलोमीटर दूर गया होगा। इस दोनों केस में इनपुट सेम था, लेकिन आउटपुट में ह्यूज डिफरेंस मिला। इसलिए आप कौन सी चीजों को अवॉइड करते हो वो उतना ही इम्पोर्टेंट है कि आप कौन सी चीजों को चूज करते हो। हर वक्त बिजी रहने का मतलब ये नहीं है कि आप प्रोडक्टिवली काम कर रहे हो। अगर आप थोड़ा गहराई से सोचे तो आपको पता चलेगा कि आपके ज्यादातर काम उतने इम्पोर्टेंट नहीं होते जितना आप मानते हो। आपने पारेटो प्रिंसिपल के बारे में तो सुना ही होगा कि आपके काम के 80% रिजल्ट्स आपके सिर्फ 20% एफर्ट से आते हैं और बाकी 20% रिजल्ट्स आपके बाकी के 80% एफर्ट से आते हैं। पर हर वक्त बिजी रहकर ज्यादातर लोग वो उस 80% एफर्ट पे फोकस करते हैं जो उनको सिर्फ 20% रिजल्ट ही देंगे, जिससे वो कितनी भी मेहनत क्यों ना कर ले वो कभी भी डिजायर रिजल्ट अचीव नहीं कर पाते और उस काम को छोड़ देते हैं। नो डाउट लोग हार्डवर्क करते हैं, पर हेरोइक रिजल्ट सही चीजों पे वर्क करने से मिलेंगे, ना कि सभी चीजों पे। जो आपने भी देखा होगा कि बिल्डिंग में लगी लिफ्ट सही बटन दबाने से ऊपर आती है, ना कि सभी बटन दबाने से। इसलिए आपके लिए वो आइडेंटिफाई करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा कि वो कौन सा 20% एफर्ट है जो आपको 80% रिजल्ट देगा। उस 20% एफर्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको एसेंशियलिज्म को जानना पड़ेगा। अब आप कहेंगे कि ये एसेंशियलिज्म है क्या? एसेंशियलिज्म एक सिस्टमेटिक डिसिप्लिन है जो सिखाता है कि आपको अपने हाईएस्ट पॉसिबल लेवल को अचीव करने के लिए आपका टाइम और आपकी एनर्जी किस जगह पर यूज करनी चाहिए। सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि हर वक्त आप अपने टाइम और एनर्जी का व्यापार करते हो। जब भी आप किसी चीज को हाँ बोलते हो तब आप अननोइंगली बाकी सभी चीजों को ना भी बोलते हो। एग्जांपल देके बताऊं तो अगर आपको आपका दोस्त घूमने और मूवी देखने के लिए बुलाए तब अगर आप उसे हाँ बोलते हो उसी वक्त आप अननोइंगली आपके इम्पोर्टेंट वर्क को ना बोलते हो। अगर आप चूज नहीं करेंगे कि आपका टाइम और आपकी एनर्जी किस जगह पर यूज होनी चाहिए तो कोई और आपके लिए चूज करेगा, जैसे कि आपके बॉस, कलीग्स एटसेट्रा, जो ऑब्वियसली आप नहीं चाहोगे। इसलिए एसेंशियलिज्म में से मैंने सीखी दूसरी बात, लर्न टू से नो ग्रेसफुली। आर डिजाइनर पॉल रैंड, जिसने IBM, एनरॉन, वेस्टिंगहाउस एंड ABC जैसी कंपनीज के लोगो डिजाइन किए थे, पर उन्होंने स्टीव जॉब्स को लोगो बनाने से इनकार कर दिया, क्योंकि स्टीव जॉब्स अपनी कंपनी नेक्स्ट के लिए पॉल से लोगो के थोड़े वेरिएंट चाहते थे। लेकिन पॉल का कहना था कि वो वेरिएंट नहीं बनाएंगे, वो अपने आइडियाज और स्टीव जॉब्स की रिक्वायरमेंट के मुताबिक सिर्फ एक ही लोगो बनाएंगे। उन्होंने स्टीव जॉब्स को ये भी कह दिया कि अगर वो ऑप्शन चाहते हैं तो वो कोई दूसरे डिजाइनर के पास जाए। लेकिन बाद में पॉल ने स्टीव जॉब्स की रिक्वायरमेंट के मुताबिक ज्वेल शेप का सिर्फ एक ही लोगो बनाया, जो स्टीव जॉब्स को काफी पसंद आया और स्टीव जॉब्स ने एडमिट किया कि अभी तक उनके साथ काम कर चुके लोगों में पॉल सबसे ज्यादा प्रोफेशनल पर्सन थे, जिसके साथ वर्क करना उनकी लाइफ का एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इस स्टोरी में रियल लेसन ये है कि जब पॉल ने स्टीव जॉब्स को ना कहा तब थोड़े टाइम के लिए स्टीव जॉब्स के माइंड में वो अनपॉपुलर हो गए, लेकिन लॉन्ग टर्म पे उनको स्टीव जॉब्स से रिस्पेक्ट मिली और एप्पल कंपनी ने पॉल रैंड का थिंक डिफरेंट का पोस्टर भी लॉन्च किया। कई बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आप किसी पर्सन को ना बोलना चाहते होगे, लेकिन सिर्फ उस पर्सन को प्लीज करने के लिए आपने उसे हाँ बोला होगा, पर बाद में पछताए भी होगे कि आपने ना बोल दिया होता तो अच्छा रहता। कभी कभी लोगों को ना बोलना डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि आपको लगता है कि शायद इससे आपके रिलेशन बिगड़ जाए, लेकिन अगर आपको इफेक्टिव
प्रभावी बनना है तो आपको ये चीज सीखनी होगी। लोगों को ग्रेसफुली ना बोलने के लिए आप इन तीन तरीकों में से किसी का भी यूज कर सकते हो। नो डाउट, ना कहने से आप थोड़े टाइम के लिए अनपॉपुलर हो जाएंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म पे वो बहुत ही अच्छा होगा। आपको याद रखना है कि आप उस पर्सन की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर रहे हो, ना कि उस पर्सन को। तो पहला तरीका है ऑकवर्ड पॉज, यानी कि आपका आंसर देने से पहले 5 सेकंड के लिए पॉज ले लो और फिर बोलो, जिससे आपको बाद में पछताना पड़े ऐसा कोई भी कमिटमेंट करने से बच जाओ। दूसरा है आर्टिफिशियल डिले। जब भी कोई पर्सन की रिक्वेस्ट को हाँ कहने में अगर आप 100% श्योर ना हो, तब इस टेक्निक का यूज कर सकते हो। यानी कि सामने वाले पर्सन को कहो कि अभी मेरे दूसरे कई इम्पोर्टेंट काम बाकी है, इसलिए अभी मैं आपको कोई प्रॉमिस नहीं कर सकता, पर शेड्यूल चेक करके जरूर बताऊंगा, जिससे आप उस रिक्वेस्ट के बारे में थोड़ा सोच पाओ कि वो रिक्वेस्ट आपके लिए एसेंशियल है भी या नहीं। और लास्ट है सजेस्ट समवन एल्स। इसे यूज करना बहुत ही आसान होगा कि अगर आपको कोई ऐसी ऑफर करे जिसमें आप बिल्कुल भी इंटरेस्टेड ना हो, पर आपको लगता है कि कोई दूसरा पर्सन उस काम में जेन्युइनली इंटरेस्टेड होगा, तो आप उस पर्सन को सजेस्ट करें। ऑफ कोर्स आपको सबको ना नहीं बोलना है, उसी रिक्वेस्ट को ना बोलना है जो आपके लिए नॉन एसेंशियल हो, जिससे आप उन चीजों को हाँ बोल पाओ जो आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा मैटर करती हो। जैसे जैसे आप अपनी एसेंशियल चीजों पे वर्क करते जाओगे, वैसे वैसे आप अपने फील्ड में आगे बढ़ते जाओगे। तब आपको कई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और ज्यादा से ज्यादा लोग आपके साथ वर्क करना चाहेंगे। ये सब अच्छी बात है, पर अगर आप एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अपॉर्चुनिटीज को डिफाइन नहीं कर पाए, तो यही सक्सेस आपके फेलियर का रीजन भी बन सकता है, जिसे पैराडॉक्स ऑफ सक्सेस कहते हैं। इसलिए थर्ड पॉइंट, सेट बाउंड्रीज। बाउंड्रीज सेट करना क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट संक कॉस्ट फॉलोसी की मदद से समझाता हूँ। अगर आप जानते हो कि आपका कोई नुकसान हुआ है, लेकिन फिर भी आप उसे एक्सेप्ट नहीं करते और अपना दूसरा नुकसान भी करवाते हो, तो उसे कहते हैं संक कॉस्ट फॉलोसी। फॉर एग्जाम्पल, आपने 300 रुपए की किसी मूवी की टिकट खरीदी, लेकिन बाद में कई लोगों ने आपको कहा कि वो मूवी बहुत ही बोरिंग है, लेकिन फिर भी आप सोचते हो कि अभी 300 रुपए की टिकट ली है तो पूरी मूवी देख ही लेता हूँ। लेकिन आप ये नहीं जानते कि ये डिसीजन लेके आप अपना डबल नुकसान करवा रहे हो, यानी कि आपके पैसे तो वापस नहीं मिलेंगे, लेकिन उस पैसे को वसूल करने के चक्कर में आप अपना टाइम भी बर्बाद करेंगे। यानी कि पहले नुकसान से बचने के लिए ऐसा डिसीजन लेना जिससे दूसरा नुकसान भी हो। इस संक कॉस्ट फॉलोसी से आप तभी बच पाओगे जब आप एक्सेप्ट कर लो कि आपसे कोई मिस्टेक हुई है और उसे वहीं पे रोक दोगे, क्योंकि कुछ चीजें बाकी चीजों से ज्यादा वैल्यूएबल होती हैं। इसीलिए लाइफ में बाउंड्री सेट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि ऑफिस का काम ऑफिस पे ही पूरा कर लो, उसे घर पे मत लाओ, क्योंकि अगर आपके बच्चे ऑफिस में अलाउ ना हो, तो आपके ऑफिस का वर्क भी घर पे अलाउ नहीं होना चाहिए। एसेंशियलिस्ट बाउंड्रीज बिल्ड करके डिस्ट्रेक्शन और टॉक्सिक लोगों से दूर रहते हैं, जिससे वो डिसाइड कर पाए कि कौन सा काम एसेंशियल है और कौन सा नहीं। डिसीजन वर्ड बेसिकली लैटिन वर्ड से आया है, जिसका मतलब है कट करना। जब भी आप डिसीजन लेते हो, तब आप किसी एक रीजन को चूज करने के लिए बाकी रीजंस को कट करते हो, जिससे आप उस रीजन को चूज कर पाओ जो आपकी लाइफ में मोस्ट एसेंशियल हो। वॉरेन बफेट से लेकर स्टीव जॉब्स तक वर्ल्ड की कई ग्रेट पर्सनालिटीज है जो एसेंशियल लाइफ जीते हैं। एट दी एंड, ग्रेग मैक्योन की बुक एसेंशियलिज्म में से मैंने सीखी सभी बातों की स्क्रीनशॉट समरी बताऊं तो, लाइफ में सभी चीजों की इम्पोर्टेंस सेम नहीं होती, इसलिए खुद ही अपनी लाइफ के एडिटर बनके आपके वर्क में से अनइम्पोर्टेंट चीजों को हटा दे, जिससे इम्पोर्टेंट चीजों के लिए ज्यादा टाइम मिले, क्योंकि स्टर्निंग रिजल्ट्स सही चीजों पे वर्क करने से मिलते हैं, ना कि सभी चीजों पे। सेकंड पॉइंट, कभी कभी दूसरे लोगों को ना बोलना भी सीख लो, जिससे आप उन चीजों को और उन लोगों को हाँ बोल पाओ जो आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा मैटर करते हो। एंड लास्ट पॉइंट, अपनी वर्क लाइफ में कुछ एथिक्स बिल्ड करके एक ऐसी बाउंड्रीज बनाइए जो टॉक्सिक पीपल, डिस्ट्रेक्शन और नॉन एसेंशियल चीजों को आपसे दूर रखे। तो ये तीनों प्रिंसिपल फॉलो करके आप अपनी लाइफ और वर्क में उस 20% एफर्ट को इजीली देख पाओगे जो आपको 80% रिजल्ट देंगे, जिससे आप वो 20% एफर्ट पे वर्क करके, यानी कि कम काम करके भी ज्यादा रिजल्ट अचीव कर पाओगे। ये सभी बातें मैंने ग्रेग मैक्योन की बुक एसेंशियलिज्म में से सीखी है। अगर आप इस बुक को रीड करना चाहते हो, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एट दी एंड यही कहूंगा कि इफ यू डोंट प्रायोरिटाइज योर लाइफ, समवन एल्स विल। धन्यवाद।